हेलो एंड वेलकम टू एन वाला आई एम दीक्षा शर्मा यूजोलॉजी टीचर हिंदी में बोले तो एन वाला में आपका स्वागत है और अगर पंजाबी में बोलें तो एन वाला विच थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है और राइट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अदर टू टॉपिक्स जो हमने कल चैप्टर किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ याद है आप सबको येस वेरी गुड इवनिंग एवरी वेरी गुड इवनिंग बेटा हाउ आर यू ऑल येस आवाज आ रही है आज आपको अरे लेट ओपी लिखना बंद करो हेलो हाय 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 हेलो एवरीवन। हेलो बेटा गुड इवनिंग बताओ बेटा लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था बिकॉज इट वाज़ अ लिटिल कंसेप्चुअल वन यस यस किसी को बेटा लास्ट क्लास में कोई डाउट यस बताइए बताइए आई एम गुड बेटा आई एम डूइंग वेल आप बताओ पढ़ाई करी आप लोगों ने पढ़ाई करी ओके okay, तो फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या है वो दो टॉपिक बेटा पहला है एस और दूसरा है इनफर्टिलिटी दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है ना इनफर्टिलिटी वाला इसमें से क्वेश्चन बनता है अगर आप बोर्ड्स की बात करो तो भी क्वेश्चन बनता है अगर आप नीट की बात करो तो भी बनता है सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम बात करेंगे एस और एस टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस और एस टी डी एनी वन यस एनीवन फुल एस ऑफ आई और एस टी डी एस और एस टी डी बताओ बेटा क्या फुल फॉर्म है आई एम वेटिंग बच्चे पूछ रहे हैं वगैरह में कट करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बेटा वो तो डॉक्टर बताएंगे जहां तक मुझे पता स्कैल्पल यूज करते हैं स्कैल्पल देखे है ना अपने एक बात, नाइफ जैसा होता है के। इज yes, Sexually transmitted infections STD is sexually transmitted diseases. इनके लिए और दो नाम है क्या है वो बाकी के दो नाम एक है आर टी आई और दूसरा है वेनरल डिजीजेस सो नदर नेम इज आर टी आई रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस एंड वी ऑल्सो कॉल देम एस वेनरल डिजीजेस बेटा इसका जो नेम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वहाँ से क्या पता चलता है वहाँ से बेटा पता चलता है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होंगे तो अगर मैं इनका मोड ऑफ इंफेक्शन की बात करूँ मोड ऑफ स्प्रेड की बात करूँ कि ये कैसे फैलता है सो द वेरी फर्स्ट वन इज थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है कपल के बीच में एंड वन ऑफ देम इज इन्फेक्टेड राइट तो ऐसा नहीं है कि वो थार नॉर्मल एंड फिर बीमारी हो जाए नो दिस कैन नॉट हैपन वन ऑफ देम हैज टू बी इन्फेक्टेड तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन वन इन्फेक्टेड एंड अदर नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर तो इन्फेक्टेड पार्टनर नॉन इन्फेक्टेड को भी अपनी बीमारी दे सकता है तभी लास्ट क्लास में बताया था ना there is one contraceptive method that can prevent std what was that condoms right so the first thing is it spreads through it spreads through sexual contact so it spreads through sexual contact इसके अलावा देर आर अदर डिजीजेस जो और तरीके से भी फैल सकती हैं फॉर एग्जाम्पल आपने एच आई वी एड्स का नाम सुना yes, बता, है यस बेटा बताओ एच आई वी एड्स का नाम सुना है सबने वो कैसे फैलता है एक तो ऑब्वियसली सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विद इंफेक्टेड पर्सन दूसरा दूसरा क्या होता है यस yes? दूसरा क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है इन्फेक्टेड नीडल से भी इन्फेक्टेड नीडल से भी मान लो मान लो बेटा एक पर्सन इन्फेक्टेड था एच से उसने वो नीडल यूज करी और साथ की साथ दूसरे नॉर्मल पर्सन ने वो नीडल यूज कर ली ठीक है तो वो जो कीटाणु थे उसमें भी चले जाएंगे राइट right? और ये कब होता है जब यूजुअली जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो नीडल्स यूज करते हैं एक दूसरे की अब कोई दूसरा थोड़ी ना उसको पूछ रहा भाई तुझे एच आई भी है क्योंकि कोई ये तो स... कभी भी सोच ही नहीं सकता ना ऐसा भी हो सकता है तभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर हमेशा न्यू स्रिंज निकालता है आपने मतलब आप तो भी छोटे हो आपके घर वाले जो भी वैक्सीनेशन लगवाने गए होंगे तो आपने एक बात देखी होगी अगर आप साथ गए होगे तो वहां पर सिरिंज हमेशा नहीं निकालते हैं डिस्पोजेबल है ना तो इसलिए क्योंकि हो सकता है अगर वो यूजुअली वही स्प्रिंज यूज करें तो इंफेक्शन के चांसेस हो सकते हैं फाइन फ्रॉम मदर टू फीटर्स मां से बच्चे में जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा थ्रू वॉट थ्रू प्लेसेंटा थ्रू प्लेसेंटा राइट ओके सो एक बच्चा पूछ रहा है थ्रू सिलाईवा बेटा नॉट ऑल दीज कैन ट्रांस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सिलाईवा बट सम ऑफ देम कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा राइट नॉट ऑल कुछ हो सकते हैं इज एक्ट क्लियर यस बताओ बेटा यस yes. बताओ बेटा एनी डाउट इन दिस टेल मी ऑल राइट सो अब बेटा आगे चलते हैं अब इसका डिटेल करेंगे हम सो वी हैव टू स्टडी थ्री टाइप्स ऑफ एस टी आईज टूडे वन इज द बैक्टीरियल अनदर वायरल एंड थर्ड वन इज प्रोटोजन लेट्स गेट स्टार्टेड पहले हम बैक्टीरियल की बात करेंगे ऑब्वियसली बैक्टीरियल का मतलब क्या है कि यह किसी बैक्टीरिया से होगा राइट सो बैक्टीरियल एस टी आई मीन्स यहां पर बैक्टीरियाज आर इन्वॉल्व Bacterias are involved. So, here we are going to discuss thin STI. You must have heard of them. First is gonorrhea, second is syphilis, and third is chlamydiasis. Alright, so we will talk about the gonorrhea first. First, you will have your Write down, hurry up. Write down. Write down. So the causative agent of gonorrhea is Neisseria gonorrhoea. I have written this in italics, so I am not underlining it. agar aap likh rahe ho to aap ise underline zarur करिएगा. This is the name of the bacteria, right? So transmission वैसे ही होगा, sexual contact से. इसमें actual में होता क्या है? What actually happens in gonorrhea? अब एक इन्फेक्टेड पर्सन था दूसरा नॉन इन्फेक्टेड था सेक्सुअल इंटरकोर्स से अनप्रोटेक्टेड से नॉन इंफेक्टेड के पास चला गया अब उसको क्या होगा उसको होगी इनफ्लमेशन क्या होगी बेटा इनफ्लमेशन राइट सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गुनोरिया एज वेल एज क्लेमाइडी तो बेटा यहां पर क्या है इंफ्लमेशन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इन्फ्लेमेशन होगी इन्फ्लेमेशन इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया यूरेथ्रा राइट मेल की अगर बात करें तो मेल में ये इंफेक्शन आगे उसके डक्ट सिस्टम में भी जा सकता है प्लस मूविंग फॉर द ड से टेस्टीज में भी जा सकता है सो इट कैन इवन लीड टू स्टेरेलिटी ठीक है फीमेल की बात करें बेटा तो फीमेल में विजाइना इज एक्सटर्नल जेनिटल विजाइना से आगे यूट्रस में इंफ्लमेशन होगा फिलोपियन ट्यूब में होगा एंड फिलोपियन ट्यूब कहाँ खुलता है कहाँ पर खुलता है जल्दी बताओ यस बताओ बेटा फिलोपियन ट्यूब कहाँ पर खुलता है हरिया टेल मी टेल मी यस बताओ बेटा फेलोपियन ट्यूब कहां पर खुलता है अरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास ली थी आपने मेरी बताओ उसमें बताया तो था दैट फेलोपियन ट्यूब नेवर ओपन इन टू दी ओवरी रादर इट ओपन इन टू दी ओपन स्पेस नोन एज पेरिटोनियम यस पेल्विक पेल्विस में वॉट इज पेल्विस पेल्विस होता है लोअर बॉडी वाला एरिया पेल्विक होता है ऊपर वाला हाँ जी याद है ओवरी में नहीं खुलता यूट्रस में तो ठीक है एक तरफ वो खुलता है वहीं से स्टार्ट होता है बट दूसरी तरफ जहां पर फिम्बरे हैं फिम्बरे फिम्बरे कहाँ पर बेटा एंड होते हैं दे ओपन इंटू वॉट दे ओपन इंटू पेल्विक रीजन यस यू गॉट इट तो पेल्विक में वो खुलेगा इफ द इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग थ्रू विजाइना टू फिलोपियन ट्यूब पहली चीज ये होगी फिलोपियन ट्यूब के सिलिया खराब हो जाएंगे और दूसरा पेल्विक एरिया में भी इन्फ्लमेशन जाएगी वो इतनी ज्यादा इन्फ्लमेशन हो जाती है इतनी ज्यादा हो जाती है दैट इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द फीमेल फेटल होता है फेटल का मतलब जो जानलेवा हो राइट और इसे हम क्या कहते हैं पी आई डी पेल्विक इन्फ्लमेटरी डिजीज गॉट इट तो इन्फ्लमेशन फीमेल में कहां पर होगी बेटा इन्फ्लमेशन इन्फ्लमेशन फ्रॉम जाना टू पेरिटोनियम एंड इन्फ्लेमेशन इन पेरिटोनियम इज नोन एज पेरो आइटिस वर्ड हम यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए And this will lead to PID, pelvic inflammatory disease. And this is fatal. This is fatal, right? Any doubt? राहुल मैम डायग्राम में फिमरी डायरेक्टली टच करते हैं चलो अब इसका बेटा आपको मैं बताती हूँ कैसे होता है अगर मान लो ये ओवरी है ये फिमरी है आपको देखने में क्या लग रहा है दिस व्यू इट्स द व्यू तो एक्चुअल में वो उसको उसके साथ कहीं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते yes? yes, बेटा Any doubt in this gonorrhea? Okay. Next is syphilis. Syphilis kis se hota hai Again a bacterium that is trepone Treponema pallidum, right? तो syphilis में क्या होते हैं बेटा? इसमें ulcer जैसे हो जाते हैं। उन ulcers का नाम है cancers, 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 which are ulcer-like, ulcer-like. टल सिफिल्स स्टार्टिंग की स्टेजेस में फिर भी ठीक है कैंकर्स होंगे जेनिटल्स पे इन केस ऑफ फीमेल विजाइना के अराउंड और मेल्स में पीनस के ऊपर लेटर ऑन सिफिलस अगर ज्यादा आगे स्टेजेस में चला जाए इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल राइट गॉट इट येस yes, बेटा इसमें कोई डाउट किसी को सो दिस कैन ऑल्सो बी फेटल इट कैन ऑल्सो बी फेटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड टॉकिंग अबाउट क्लेमाइडिया क्लेमाइडिया से होता है इसके सिम्टम बिल्कुल गुनोरिया जैसे है इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है इन्फ्लमेशन इन यूरेथ्रा एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स। तो बेटा ये थी आपकी तीन बैक्टीरियल एस्टीआई वॉट यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे सब याद कर लेते हैं सारे सिम्टम याद हो जाते हैं क्या भूल जाते हो कि गुनोरिया बैक्टीरियल है या वायरल है सो so, बेसिक को पहले पकड़ा करो अगर आपको क्वेश्चन ही ऐसे आ गया कि गुनोरिया कौन सी बीमारी है इट्स अ बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोन व्हाट विल यू टेक डायरेक्टली यू विल टेक इट्स द बैक्टीरियल सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट पहले बेसिक याद किया करो राइट यस बैक्टीरियल है बेटा बीमारी तो यस yes, इशिता दे आर क्योरेबल एंटी बायोटिक्स से इनको क्योर कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इनकेस ऑफ सिफिलिस पेनिसलिन दी जाती है एक्ट क्लियर नाउ यस यस बेटा एनी डाउट इन दिस चलो इसका स्क्रीन शॉट लो कॉपी में लिखो देन वी विल मूव फर्दर All right. next नेक्स्ट वी viral डिजीजेस अब वायरल डिजीजेस की बात करते हैं वायरल में बेटा यहां चार बीमारियां पढ़ेंगे। Genital हर्पीस genital warts, हेपेटाइटिस एंड एड्स जैसे कि आपको पता है बहुत सारी वायरल बीमारियां क्योरेबल नहीं होती क्या आपके जो कॉमन कोल्ड है उसकी कोई एज सच प्रॉपर दवाई होती है फ्लू की होती है बेटा सब छोड़ो अभी जो चल रहा है क्या उसकी एक एप्ट कोई मेडिसिन है जिससे मतलब होगा ही नहीं या एक गोली खा लो ठीक हो जाओगे बताओ कुछ ऐसा है तो मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीजेस इसमें जो कह लो ना कि बीमारी को क्योर करने के चांसेस या उसकी दवाई नहीं होती बिकॉज वायरस टेंड्स टू रेप्लीकेट एट अ फास्टर रेट और हर रेप्लीकेशन में वो म्यूटेशन शो करता है जिससे वो आपकी जो आप अगर वैक्सीन लेते हो या कोई अगर आपको कह लो कि गोली खाते हो तो उस पर काम नहीं करती राइट तो ये एक वायरस का प्रॉपर्टी होता है और राइट और कई वायरसेस बहुत मतलब बच्चे टाइप होते हैं वो आप फिर भी आप उनको हैंडल कर लेते हो बट कई तो बहुत धुरंदर होते हैं उनका तो पता ही है आप कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लगा सकते हैं। वायरस so, वाली सारी बीमारियां क्या है इनका क्योर नहीं है एक्सेप्ट वन विच इज जेनिटल जेनिटल ओनली क्योरेबल. ठीक है ये तीनों का कोई भी क्योर नहीं है ये बात क्लियर है सबको बताओ बेटा यस यस बेटा बताओ इसमें किसी को कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट अगर क्वेश्चन आ गया इन चारों में से कौन से क्योरेबल है तो क्या बोलोगे क्या बोलोगे बेटा अगर ये चार वायरल डिजीजेस आती हैं इनमें से किसका क्योर है सिर्फ वॉट्स का क्योर है ये सारी इनक्योरेबल है इजैक्ट क्लियर चलो सो विल स्टार्ट विद द जेनिटल हर्पीज एंड हर्पीज किससे होता है एच एस वी टू वॉट इज द फुलसवी अच्छा एक चीज नोट करी सारी वायरल एस आई एस के जो वायरस है उनके सबके नाम एच से स्टार्ट है देखा एच एसवी एच पी वी एच बी वी एच आई वी राइट तो एच एसवी इज हरपीज सिंप्लेक्स वायरस क्या करता है बेटा ये हरपीज सिंप्लेक्स वायरस क्या करता है It causes, it causes blisters on genitals. ठीक है तो ये क्या करता है बेटा ब्लिस्टर समझते हो छाले जैसे होते हैं हमारी लैंग्वेज में तो छाले बोलते हैं पता नहीं हिंदी है या मेरी पंजाबी है मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं छाले समझते हो ना क्या होते हैं क्या बोलते हैं यही बोलते हैं बताओ यही बोलते हैं क्या यस yes. चलो तो बेटा यहां पर जो जेनिटल हर्पीज है यहां पर ब्लिस्टर्स हो जाएंगे कहां पर होंगे ब्लिस्टर्स ऑन दी जेनेटल दैट मीन पीनस पर वजाइना पर राइट right? इधर वॉर्ड्स में क्या होता है वॉर्ड्स में भी दाने जैसे होते हैं एंड ये एक तरह के ना जैसे बिनाइन ट्यूमर लाइक होते हैं इसमें होता क्या है कि आप ही के सेल के अंदर ही वायरस जाके मल्टीप्लाई करा देता है और ट्यूमर में भी तो ऐसे होते हैं सो so यहां पर जो वार्ड्स हैं मतलब हम कहते हैं जेनिटल वार्ड्स क्या बीमारी है कि बंदे को वॉर्ड्स हो गए अब वार्ड्स क्या होता है वार्ड्स आर बिनाइन ट्यूमर लाइक आउट ग्रोथ बिनाइन ट्यूमर लाइक आउट ग्रोथ ये क्योरेबल है क्यों इन वॉट्स को किसी तरह बॉडी से आ, निकाल दिया जाता है कैसे थ्रू डिफरेंट मेथड्स यहां पर कोई टॉपिकल सॉल्यूशन टॉपिकल का मतलब क्या होता है जो स्किन के ऊपर लगाते हैं फॉर एग्जांपल पिंपल होता है तो क्रीम लगाते हैं ना दैट्स अ टॉपिकल ट्रीटमेंट राइट तो टॉपिकल uh, कोई सॉल्यूशन से भी वॉट्स को खराब जला दिया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक रॉड्स से भी इलेक्ट्रोकॉटरी कर दी जाती है स्पार्क से जला दिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन से भी इनको ख़त्म कर देते हैं लेज़र से भी ख़त्म कर देते हैं या इम्यूनोथेरेपी भी इन सबके साथ दी जाती है कि इम्यून सिस्टम ज्यादा काम करे और बॉडी अपने आप इस वायरस को निकाल दे राइट सो दिस इज हाउ इट हैज अ लॉट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड इट इज द क्योरेबल वायरल एस टी डी इज एक्ट क्लियर यस ओके चलो नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस के नाम से पता लग रहा है हिपैटो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हिपैटो वर्ड इज यूज फॉर लिवर Liver, पता ना लिवर है सबके पास डाइजेस्टिव सिस्टम वाला तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड बेटा जो ये हैपीटाइटिस एच बी वी ये एच बी वी की फुल फॉर्म क्या है हैपीटाइटिस बी वायरस वेरी सिंपल राइट सो दिस हेपेटाइटिस दिस हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस बी राइट right? सो so, जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस करोगे वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपीटाइटिस बताएंगे ए बी सी डी ई राइट इस तरह से तो वन ऑफ देम द वन विच इज़ बी इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड एंड इसका भी कोई क्योर नहीं है बस प्रिवेंशन है कि वैक्सीनेशन आती है वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं दैट क्लियर यस ओके सो एच बी वी इज हेपीटाइटिस बी एंड एच पी वी क्या है फिर दिस इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ठीक है समझ में आई बात यह है एचपीवी की फुल फॉर्म तो एचपीवी की क्या बताई हेपेटाइटिस बी वायरस दिस इज ऑल्सो इनक्योरेबल इसकी वैक्सीन है जिसका नाम है रिपोर्टीवैक्स रिकॉम्बीवैक्स एच बी राइट सो दिस इज अ वैक्सीनेशन अवेलेबल इज ए क्लियर यस बताओ बेटा एनी डाउट ओके एड्स एड्स किससे होता है सबने सुना है एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस ठीक है ये क्या कर रहा था जेनिटल्स पे ब्रिस्टल, सॉरी ब्लिस्टर्स ये क्या कर रहा था वॉट्स जेनिटल्स पे ये क्या कर रहा था लिवर को इन्फेक्ट ये क्या करता है इसके नाम से पता लग रहा है ये आपके इम्यून सिस्टम को डेफिशिएट कर देगा मतलब आपकी इम्यूनि इम्यूनिटी को डाउनग्रेड कर देगा ताकि वो आपकी बॉडी में आराम से जो काम करना चाहता है वो करे एंड क्या करना चाहता है वायरस क्या करना चाहता है वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहता है बढ़ाना चाहता है अपना नंबर बढ़ाना चाहता है एंड दिस एचआईवी इज येस, इट्स अ रेट्रोवायरस राइट सो दिस इज अ रेट्रोवायरस व्हाट आर रेट्रोवायरसस जिनका जीनोम आरएनए हो और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से वो क्या बनाएं डीएनए बनाएं राइट right? फिर वो डीएनए आपके सेल के साथ इनकॉपोरेट होता है अगेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन दी चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इज एट क्लियर यस बताओ बेटा ओके सो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस से होता है एंड इट अटैक्ट इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो और साथ में इसको नोट भी करूं कॉपी में यस यस yes, बताओ बेटा यस एनी डाउट एनी डाउट यस बेटा एनी डाउट इन दिस ऑल क्लियर ओके मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट बीमारी विच इज प्रोटोजोअन प्रोटोजोआ समझते हो सब प्रोटोजोआ सब समझते हो क्या होता है यस yes. पढ़ते हो ना बॉटनी में प्रोटोजोन्स नहीं पढ़ते पढ़ाई छोड़ रखी है या पढ़ते हो बताओ बेटा बेटा एलाइजा क्या होता है इसका रेट्रोवायरस है जिनोम है, ये सब बताएंगे पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में बताएंगे यहां पर इतना डिटेल में एड्स को पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है पढ़ाया जाएगा आगे बढ़ाया जाएगा यस यस चलो चले आगे ओके सो प्रोटोजन बेटा इसमें एक ही बीमारी करनी है वो क्या है ट्राइकोमोनिया और ल्यूकोरिया तो ये कौन गोस करता है आपके सामने ट्राइकोमोनास वेजिनालिस तो ल्यूकोरिया क्यों कहते हैं इसे सबसे पहले यहाँ पर जो ये एस है इसके सिम्टम फीमेल्स में ज्यादा दिखते हैं मेल में नहीं दिखते क्यों अभी बताती हूँ जो फीमेल की विजायना होती है जो फीमेल की विजायना होती है इस विजायना में जो ग्लाइकोजन रिजर्व होता है क्या होता है बेटा ग्लाइकोजन इस ग्लाइकोजन को इस ग्लाइकोजन को कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं लेक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं किस में कन्वर्ट कर देते हैं लेक्टिक एसिड में राइट right? तो अब बेटा ये लैक्टिक एसिड है तो ये पीएच क्या देगा यहां पर विजाइना की एसिडिक पीएच देगा सो ड्यू टू दिस लेक्टिक एसिड द पीएच ऑफ विजाइना इज एसिडिक ठीक है तो अगर कोई फीमेल अगर कोई फीमेल इससे इन्फेक्ट होती है अगर कोई फीमेल इससे इन्फेक्ट होती है ट्राइकोमोनास वेजनालिस से तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड है पीएच क्या है एसिडिक और यहाँ पर ये प्रोटोजोन सर्वाइव नहीं कर सकता सिंपल सी बात ठीक है अब अगर फीमेल में एल्कलाइन कंडीशंस क्रिएट हो जाती है विजाइना की ड्यू टू एनी रीजन ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेसिव एल्कलाइन सोप और एनी थिंग लाइक दैट कोई भी रीजन की वजह से अगर फीमेल में विजाइना की पी एच एल्कलाइन हो जाती है और ये इंफेक्टेड है फीमेल इससे अब सिमटम्स दिखेंगे क्योंकि इन दी एल्कलाइन पी एच ये प्रोटोजोन आराम से मल्टीप्लाई कर सकता है और सिम्टम्स दिखाता है राइट यस अब अब सिम्टम क्या होंगे देर इज सिक्रीशन ऑफ अ म्यूकस लाइक मेटीरियल एक वाइट कलर का डिस्चार्ज आना शुरू होता है जो विजाइनल वॉल से ही आता है राइट क्योंकि वहां ये प्रोटोजोन मल्टीप्लाई करवा रहे ठीक है थीके? तो डिस्ट्रॉय कर रहे है सेल्स और उसे हम कहते हैं ल्यूकोरिया, द एक्सेसिव डिस्चार्ज जो व्हाइट कलर का क्लाउडी डिस्चार्ज है कॉटन लाइक डिस्चार्ज है राइट ये बात समझ में आई मेल्स की बात करते हैं मेल्स में यूरेथ्रा होता है यूरेथ्रा इज अ कॉमन इट्स अ कॉमन डक्ट फॉर सीमन एज वेल एज यूरिन यूरिन का पी एच छ राइट अब यूरिन का पी एच एसिडिक है और वहां से यूरिन पास रहेगा तो यूरेथ्रा विल ऑलवेज रिमेन एसिडिक राइट तो इसीलिए मेल में दिस बीमारी रिमेन सिम्टमलेस उनमें सिम्टम्स नहीं होते किसी को इसमें कोई डाउट यस बेटा कोई डाउट किसी को तो बेटा यहां पर क्या है पीएच एसिडिक है नो ग्रोथ ऑफ ट्राइकोमोनास पीएच ऑफ विजाइना गेट्स एल्कलाइन तो क्या होगा देर इज ग्रोथ ऑफ ट्राइकोमोनास राइट अब इसकी ग्रोथ होगी तो क्या होगा देर इज वाइट कॉटन लाइक डिस्चार्ज एक्सेसिव होगा और इसे हम कहते हैं ये ल्यू कोरिया फाइन मेल्स में सिम्टमलेस है इट इज सिम्टमलेस ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ यूरेथ्रा किसी को बेटा इसमें कोई डाउट यस बताइए यस बेटा किसी को कोई इसमें डाउट ठीक है बेटा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ बच्चे बोल रहे हैं बेटा देखो जो विजाइनल पीएच है वो एसिडिक रहती है ड्यू टू तो सम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिससे अगर इन्फेक्शन फीमेल को हो भी तो ये ट्राइकोमनास ग्रो नहीं करेगा तो ट्राइकोमनास ग्रोज व्हेन व्हेन देर इज एल्कोलाइन पीएच अगर किसी वजह से एल्कोलाइन पीएच हो तो फीमेल में वाइट कलर का ये डिस्चार्ज होगा क्योंकि ये अब ग्रो कर सकता है मेल में हमेशा सिम्टमलेस रहेगा क्योंकि यूरेथ्रा हमेशा एसिडिक रहती है सिंपल बात समझ में आई बेटा बताओ यस yes. बताओ बेटा कोई डाउट किसी को बेटा किसी को कोई डाउट यस यस बेटा किसी को कोई डाउट डाउट पूछने को कहा ये बच्चे यहां पर क्या बातें लिख रहे हैं चैट में चलो तो बेटा हमने ये तीन बीमारियां करी तीन एस करी एक बैक्टीरियल एक वायरल एक प्रोटोजोन बैक्टीरियल में क्या क्या किया हमने गोनोरिया सिफिलिस और क्लेमाइडिया राइट वायरल में क्या क्या किया चार बीमारी करी जेनिटल हर्पीस जेनिटल वॉर्ड्स हेपेटाइटिस बी एंड एड्स ओके अब प्रोटोजोन में हमने क्या किया ट्राइकोमनियास और लुकोरिया इसमें किसी को कोई डाउट हमने लिख लिया स दिस इज क्योरेबल ये बेटा ये क्योरेबल है दिस प्रोटोजोन बीमारी इज क्योरेबल यस चलो चले आगे ओके सो लेट सी एनसीआरटी क्या बोलती है अब हम आते हैं लाइन टू लाइन अपनी एनसीआरटी की ताबें खोल लो बेटा स्टार्ट अंडर लाइनिंग और जो जो लाइन में जो समझ नहीं आता एनसीआरटी में नोट डाउन no कर लिया करो साथ, -साथ. समझ रहे हो बात अगर नोट्स बनाते हो ना आप नोट्स बनाते होंगे जो अच्छे बच्चे हैं वो बनाते होंगे तो नोट्स में क्या क्या करो जो एनसीआर की लाइन होती है ना उसको या तो उसके ऊपर स्टार लगा लो या उसको अंडरलाइन कर लिया करो ताकि जब रिवाइज करो किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो मान लो कभी कोई तो एग्जाम दोगे आप नीट दो दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो तो उसमें आपको ये चीज पता हो कि दिस इज अम एनसीआर बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम मेजर पार्ट मोर देन नाइन्टी परसेंट एन सी आर टी का ही होता है राइट right? तो इसलिए अपना मेहनत जब करते हो तो एक ही बार करो अच्छे से करो दोबारा ज्यादा किताबें उठाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है है ना बेटा चलो इन्फेक्शन और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो अभी हमने यही नाम किए इसके सारे की जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होती है बीमारियां उनके ये तीन नाम है गोनोरिया जेनेटल हर्पीस क्लाइडिया जेनेटल वॉर्ड्स

अब पढ़ते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं सम ऑफ दीज इंफेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एन एच आई वी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा व्हाट आई हैव टोल्ड यू की कुछ बीमारियों में सिर्फ सेक्शुअली ट्रांसमिशन से ही नहीं फैलता रादर अगर कोई इंफेक्टेड नीडल है कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे भी वो फैल सकता है ओके okay? नेक्स्ट थ इंफेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड दूसरा क्या हमने किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर इंफेक्टेड मदर से फीटस को भी जा सकता है तो अभी हमने क्या किया बेटा ये तीन क्योरेबल नहीं है ये वायरल डिजीजेस राइट यही किया था ना हमने इसके अलावा सारी बीमारियां क्या है क्योरेबल है ऑल राइट right, समझ में आई बेटा बात यस yes. बैक्टीरियल भी क्योरेबल बताई थी एंटीबायोटिक्स से प्रोटोजोन भी मैंने बताया कि क्योरेबल है वायरल क्योरेबल नहीं होती उसमें बस एक एक्सेप्शन याद कर लो जेनिटल वॉर्ड्स जो क्योरेबल है अदरवाइज ये तीन वायरल बीमारियां क्योरेबल नहीं है किसी को इसमें कोई डाउट बेटा यस बोलो ओके okay. ज आर क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग फ्लूड डिस्चार्ज स्लाइड पेन स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनेटल रीजन तो स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा इचिंग होती है राइट पीपल टेम टू स्क्रैच इट खारिश करने का मन करता है रेडनेस आती है स्वेलिंग आती है हो सकता है कोई फ्लूड भी निकले तो उस टाइम पर बहुत से लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं क्यों क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कुछ बीमारियां भी होती हैं फाइन ओके देन इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक एंड हैंड्स में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग अब फीमेल में बेटा कुछ एस टी आईज ऐसी होती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता उनमें है क्यों मेल में द एक्सटर्नल जेनेटेलिया पीनस ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है फीमेल में जो इन्फेक्शन है वो ऊपर तक चली जाती है राइट फीमेल में जो इन्फेक्शन है ऊपर तक चली जाती है जैसे कि यूरेटर्स में चली गई फ्लोपिन ट्यूब्स में राइट यूट्रस में चली गई आगे पेरिटोनियम में चली गई अब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं ना पता हम तो ऐसे सोच रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है पेट में दर्द हो रहा है राइट तो फीमेल में इसलिए पता ही नहीं चलता बहुत टाइम तक और जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है ओनली देन फीमेल गेट टू नो कि हाँ ये इंफेक्शन हो चुकी है और ओके right? okay. एबसेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑन इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिगमा अटैच टू द एस टी आईज डेटर द इनफेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट अब लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा पाते पहला रीजन कि वो बीमारी का का पता ही नहीं चल रहा उनको कि नहीं हुई है सिम्टम्स ही नहीं पता लगते दूसरा हा लोग क्या कहेंगे क्या हो गया है ना क्या बात है इसमें क्या बड़ी बात है अब मान लो कुछ और कहीं पे अगर रेडनेस स्वेलिंग होती है अगर किसी को मच्छर काट के जाता है तब भी इंफ्लमेशन होती है तब क्या कहते हैं हाँ लोग क्या कहेंगे नहीं है ना ऐसा थोड़ा ना करते हैं तो बहुत सारे लोग ये एक सोशल स्टिग्मा की वजह से ही नहीं जाते कि और वो लोगों को बताते भी नहीं राइट कि हमें ये बीमारी हुई है एंड दे डोंट गो टू डॉक्टर एंड दे डोंट देट सेल्फ ट्रीटेड जिससे बीमारी और बढ़ जाती है जानलेवा भी हो सकती है राइट चलो क्स्ट दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट इज पी आई डी अबॉर्शन स्टिल बर्थ एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो एज अ रिजल्ट फीमेल को फिर क्या क्या झेलना पड़ता है पूरा पेल्विक इन्फ्लेम्ड उसका अगर बच्चा है उसमें और चीज इंफेक्टेड तो उसका अबॉर्शन हो सकता है सोचो अगर उसी एंडोमेट्रियम में बच्चा लगा है और उसी में इंफेक्शन हो जाए तो कहाँ वो बेचारा सस्टेन करेगा राइट स्टिल बर्थ अब बच्चा वहां पे उसको एंडोमेट्रियम इन्फेक्टेड है प्लेसेंटा कैसे प्रॉपरली बनेगी अब जो वो पैदा होगा मरा हुआ होगा स्टिल बर्थ किसे कहते हैं अगर बच्चा हुआ और वो बच्चा मरा हुआ है राइट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बताया था बेटा मैंने आपको ये yes? एक्टोपिक क्या बताया था यस एक्टोपिक प्रेगनेंसी द प्रेगनेंसी द इम्प्लांटेशन दैट प्लेस कहां पर अदर दैन को छोड़कर कहीं और जैसे ट्यूब में, और वहां पर प्रॉपर जेस्टेशन नहीं हो सकता राइट right? सो so, इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है इनफर्टिलिटी भी हो सकती है ओवरीज में चली जाए इंफेक्शन खत्म ओवरी छोड़ो फिलोपियन ट्यूब की सिलिया खराब तो कैसे आगे वो ओबम जाएगा जा ही नहीं पाएगा राइट right? फर्टिलाइजेशन हो भी गई एम्ब्रियो मूव करेगा नहीं करेगा दैट कैन लीड टू इन फर्टिलिटी ओके एंड इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कुछ वायरल डिजीज़ेस होती हैं बेटा वायरस टेन टू तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं राइट right? तो उससे दे कैन इवन ट्रिगर द रिस्पॉन्स एंड कैंसर भी हो सकते हैं डू गेट दैट यस इसमें किसी को कोई डाउट बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिम्टम्स हैं जल्दी से इसे रीड करो एक बार और हरि अप मी नो इफ दिस लाइन इज क्रिस्टल क्लियर टू यू और नॉट अरे बताओ बच्चों बताओ प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आई ये बात या नहीं ओके सब क्लियर है सो देयर फॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेस आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम बताया था ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम कौन सा था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से शुरू हुआ था फिर आरसीएच आया रिप्रोडक्टिव

दो इतनी अवेयरनेस है फिर भी पंद्रह से चौबीस साल के जो नौजवान हैं उनको सबसे ज़्यादा ये बीमारियाँ होती है क्यों अगेन सोशल स्टिग्मा सेक्स एजुकेशन नहीं देते पहली क्लास से बोल रही हूँ मैं ये वर्ड है ना बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता अब तो इतनी अवेयरनेस है एड्स डे जब भी होता है लॉट ऑफ एन जी ओज इवन डिस्ट्रीब्यूट कॉन्डम्स टू वेरियस प्लेस राइट ताकि दे शुड यूज इट एक तो पॉपुलेशन ना बढ़े और दूसरा एस टी आई ना हो एंड दैट कुड एक्चुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी तो इसका भी क्वेश्चन बनता है पंद्रह से चौबीस साल के ग्रुप के बच्चों को एस टी आईज ज्यादा होती है आप भी इसी एज ग्रुप में ही फॉल करते हो है ना पंद्रह से चौबीस वाले ही यहाँ पे उससे बड़े वाले होंगे वो कोई और होंगे वो हमें पता ही है कौन है है ना चलो उनको निकाल देते हैं आप अपनी बात करो चलो

टू नॉट गो फॉर द सेक्शल इंटरकोर्स विद द पर्सन जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है आप पहली बार मिले हो या फिर अलग अलग लोगों से राइट क्यूँ यू नेवर नो वट दैट पर्सन इज कैरिंग पहली मुलाकात में नोबडी टेल यू वट दे आर कैरिंग वो क्या इन्फेक्टेड है क्या नहीं है और आप आंख में आपके एक्सरे तो है नहीं क्या आपको पता चल जाएगा राइट ऑलवेज

हो सकती है राइट ओके सो बाय दीज थ्री मेथड्स वन कैन प्रोटेक्ट दिल्स फ्रॉम दीज एसटीआई राइट चलो राइट सो नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी अब इनफर्टिलिटी क्या होता है बेटा यस वॉट इज इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी अच्छा बेटा इसमें एस टी आईज में, में किसी को कोई डाउट कोई पूछ रहे मैम इज ब्रेस्ट कैंसर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एस टी डी नो ब्रेस्ट कैंसर कैन बी कॉज ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन विच एस टी डी प्लेज नो रोल और नेग्लिजिबल रोल ओके यस ब्रेस्ट कैंसर के बेटा और भी बहुत सारे कारण होते हैं किसी को कोई डाउट यस yes. जो कैंसर होता है बेटा अगर आपने वो कैंसर वर्ड से मुझसे पूछ रहे हो सो दैट मीन्स वो एंड uh, इसका कैंसर भी यूट्राइन कैंसर की भी बात कर सकता है राइट इट्स नॉट जस्ट द ब्रेस्ट कैंसर और राइट सर्विकल कैंसर भी हो सकता है सर्विक्स में कैंसर होता है दिस इज वन ऑफ द मेजर कैंसर अकरिंग नावर डेज इन द फीमेल यस वॉट इज इनफर्टिलिटी एड्स की वैक्सीन क्यों नहीं निकल रही बेटा मैंने आपको क्या बताया था एड्स की वैक्सीन क्यों नहीं निकल रही वो वायरस बहुत जल्दी रेप्लीकेट करता है और हर रेप्लीकेशन में खुद को चेंज कर देता है अब एक एक्स के लिए अगर वैक्सीन बना रहे हो तो वो तो वाई बन गया तो वाई पे तो काम नहीं करेगा ठीक है बाकी ये सब एड्स में पड़ेंगे हम आगे चलो इनफर्टिलिटी पे आते हैं वॉट इज इनफर्टिलिटी यस इनफर्टिलिटी होता है बेटा जब कोई एक कपल अराउंड वन टू टू ईयर से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव दे आर नॉट एबल टू हैव चाइल्ड तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी इट डजेंट मीन द फीमेल इज इनफर्टाइल की फीमेल में ही कोई प्रॉब्लम है और ये भी मतलब नहीं कि मेल में ही कोई प्रॉब्लम है अंटिल और अनलेस दोनों को चेक ना किया जाए तो दिक्कत मेल में भी हो सकती है दिक्कत फीमेल में भी हो सकती है अगर ऑन एन एवरेज देखे ज्यादा दिक्कत मेल्स में होती है स्टिल द फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर बीइंग इनफर्टाइल राइट ओके सो फर्स्ट लाइन अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल विच इज रियली नॉर्मल राइट इनफर्टिलिटी आज की रेट में ज्यादा है ओके okay? That is they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. Cohabitation का मतलब भी वही sexual intercourse है right? तो the reasons for this may be many like physical, congenital disease, drugs, immunological or even psychological. अब वो infertile क्यों है उसका एक कारण कभी नहीं होता हो सकता है उनके body की बनावट ही ऐसी है हो सकता है उनको कोई genetic disorder है ठीक है हो सकता है कि कॉन्जेनाइटल वैसे मीनिंग होता है कि पेट से ही उनमें कोई दिक्कत है पेट से ही मतलब ठीक नहीं बन के आए ओके नेक्स्ट ड्रग्स लेते हैं ड्रग से भी जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकता है स्मोकिंग से फीमेल की फिलोपियन ट्यूब खराब हो सकती है इम्यूनोलॉजिकल कोई ऐसी बीमारी हो गई इम्यून सिस्टम हमेशा हाइपर रहता है राइट right? हाइपर रहता है इम्यून सिस्टम तो उससे क्या होता है आपके बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती दूसरे सेल्स को ओके okay? नेक्स्ट साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम है दिमाग में प्रॉब्लम नहीं मतलब आप को मूड स्विंग्स आते हैं या आप डिप्रेस्ड हैं राइट एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म फिजिकली राइट तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है ओके नेक्स्ट इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बींग चाइल्डलेस बट मोर ऑफन देन दैट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर अभी बात बताई इंडिया में वही बात है अभी ग्रो नहीं हुआ है इंडिया थोड़ा ज्यादा है ना तो फिर भी फीमेल कोई ब्लेम करते हैं चाहे मेल में कोई प्रॉब्लम हो अगर मेल में होगी भी तो लोगों को बताएंगे नहीं फिर भी दे विल ब्लेम कि हाँ फीमेल में प्रॉब्लम है है ना होता है कई जगह पे स्पेसाइज हेल्थ केयर यूनिट्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स इन कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ डिसऑर्डर्स कपल्स टू हैव सो इफ समन इज इनफर्टाइल इट्स क्वाइट नॉर्मल बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है वो टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे एंड स्टिल दे कैन यू नो फिर भी वो बच्चा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज क्लिनिक्स राइट right? चलो आगे चलते हैं तो इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल में किस तरह की होती है ऐसे क्या बीमारियां होती हैं कि वो इनफर्टाइल होते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट मेल्स फर्स्ट ओके चलो ओलिगोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया ओलिगो ओलिगो का मतलब क्या है ओलिगो का मतलब होता है फ्यू क्या मतलब होता है फ्यू हो ना बेटा मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हो ना बताओ क्या मतलब होता है मोनो मतलब वन ओलिगो मतलब फ्यू तो दे टू चेन होती है उसकी ग्लूकोज की जैसे ठीक है और पॉली में मेनी होती है तो ओलिगो तो का मतलब तो वही रहेगा सो लिगोस्पर्मिया मींस देयर आर फ्यू स्पर्म्स दैट मींस द मेल हैव लो स्पर्म काउंट तो अगर किसी मेल में स्पर्म कम है ऐसी कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं लो स्पर्म काउंट एज़ोस्पर्मिया ए विदाउट स्पर्म्स ही नहीं है सो नो स्पर्म्स राइट टिराटोजूस्पर्मिया टिराटो का मतलब होता है मॉन्स्टर मतलब उसका शेप एंड साइज ही ठीक नहीं है मॉन्स्टर लाइक है डिस्टोटेड है तो इसमें जो उसकी जो मॉरफोलोजी है वो खराब है राइट सो टटोजूस्पमिया मॉरफोलॉजी इज डिस्टर्ब्ड और इनकरेक्ट शेप एंड साइज में प्रॉब्लम है एस्थेनोजूसपर्मिया एस्थेन स्थान से याद रखना एक स्थान से दूसरे स्थान जाना एस्थेनोजूसपर्मिया मोटाइल नहीं है भाग नहीं सकता एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता सो नो मोटेलिटी ऑर्काइटिस आइटिस आइटिस इज इन्फ्लेमेशन एंड और की वर्ड इज यूज फॉर और की वर्ड इज यूज फॉर टेस्टीज सो इट्स द इन्फ्लेमेशन इंटेस्टीजे okay? चलो फीमेल की बात करते हैं एन ओव्यूलेशन देर इज नो ओव्यूलेशन फोर्टीन डे पे जो ओवम निकलता है ऊसाइड रक्चर होता है वही नहीं हो रहा क्यों हो सकता उसमें फॉलिकल ही ना हो खत्म हो गए हो या और कोई दिक्कत हो ऑलिगो ओव्युलेशन कभी कभी होता है राइट right? ेशन और इरेग्युलर ओव्यूलेशन इसमें मोस्टली जो फैक्टर है ओलिगो में उसका हॉर्मोनल होता है ठीक है हॉर्मोन्स डिस्टर्बेंस होती है ब्लॉक्ड fallopian ट्यूब्स अब मैंने बात बताई थी आपको कि फ्लोपियन ट्यूब भी फीमेल में खराब हो सकती है Blocked है fallopian ट्यूब्स राइट उसमें बिल्कुल ल्यूमन ही नहीं है ल्यूमन ही है तो बेटा वो रप्चर्ड फॉलिकल जो उसमें से उस साइड निकलेगा आ जाएगा कहीं नहीं जाएगा राइट सो ब्लॉक्ड फ्लोपियन ट्यूब्स भी हो सकता है इनफैक्ट अगर फीमेल स्मोक करती है या स्मोकर्स के राउंड ज्यादा रहती है तो उसके सिलिया भी खराब हो सकते हैं और अगर सिलिया खराब होगा तो फीमेल में इनफर्टिलिटी की चांसेस ज्यादा होते हैं तो यहां पर इवन फिलोपियन ट्यूब्स विदाउट सिलिया और लेस सिलिया ठीक है नेक्स्ट वी हैव पीसीओएस यू मस्ट हैव ऑफ पीसीओएस और पीसीओडी पॉलीसिस्टिक डिसऑर्डर ये क्या चीज है ये बहुत बच्चों ने सुना होगा इसको पी या डी भी लिख देते हैं और अगर एस है तो सिंड्रोम बोल सकते हैं सिंड्रोम का मतलब क्या होता है सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिजीजेस बहुत सारी बीमारियों का झुंड इट इज कलेक्शन ऑफ डिजीजेस अरे ये हैप्पी बर्थडे कौन लिख रहा है मेरा बर्थडे बुथडे नहीं है प्लीज मुझे विश मत करना कोई भी कुछ नहीं मिला तो हैप्पी बर्थडे लिख दो वाह क्या बात है क्या करोगे यार मतलब बहुत दूर तक जाओगे केक वे काटो बेटा अपने घर पे मेरा फिर लाओ यार केक कुक मंगवाओ हम्म बहुत दूर जाओगे बेटा बहुत दूर <laughs> चलो एनीवेज चलो तो ये बेटा पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम या डिसऑर्डर का नाम सुना आपने बताओ सबने सुना है इट्स लाइक अ विशियस साइकिल फॉर अ फीमेल विशियस साइकिल है क्या होता है विशियस साइकिल विशियस साइकिल क्या होता है यस व्हाट इज अ विशियस साइकिल अंग्रेजी वर्ड है थोड़ा ये भारी क्या होता है ये आउट ऑफ एनसीआर है पीसीओएस सी हाँ पता है मुझे बताओ बेटा इट कैन बी वन ऑफ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी बताओ क्या होता है ये, क्या होता बेटा मतलब इसमें इतनी सारी बीमारियां हो जाती है और हर बीमारी एक दूसरे पर डिपेंडेबल हो जाती है तो वन अकर्स आफ्टर दी नदर वेट गेन होगा तो हो सकता है इसमें डायबिटीज भी हो डायबिटीज होगा तो वेट गेन भी होगा तो ये दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना तो so, ये बहुत सारी बीमारियां हो जाते हैं विच लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड लॉट ऑफ लॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स राइट सो दिस इज वॉट पी सी ओ एस एस जिससे देर इज इरेगुलैरिटी इन द मैं साइकिल एंड दिस इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज पांच में से तीन लड़कियों को ये होता है कुछ को पता चलता है कुछ को फील भी नहीं होता राइट और मूविंग फर्दर टू आर्ट आर्ट क्या है आर्ट है कला कला क्या है ये वो कला है जो इनफर्टाइल कपल्स को भी बच्चा होने की आजादी देता है या फिर उनको एक पेरेंटहुड की एक गिफ्ट जो है वो उनको मिल सकता है इससे राइट ओके बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी में क्या फर्क है बताइए बेटा यस यस वट इज डिफरेंस बिटवीन इनफर्टिलिटी एंड स्टेलिटी यस बताओ बेटा वॉट इज द डिफरेंस बिट्वीन इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी क्या होता है ये इनफर्टिलिटी होता है बेटा इट कैन बी रिवर्स फॉर एग्जाम्पल अगर मेल में स्पर्म्स है परकम है बट स्टिल वो किसी तरह से वी कैन मैनेज थ्रू आर्ट और बच्चा पैदा हो सकता है बट अगर स्पर्म ही नहीं बन रहे सो द मेल इज स्टेराइल स्टेराइल में यूजली द होप इज निल एंड इनफर्टाइल में देयर आर स्पर्म्स और गिमीड्स फॉर्म बट कुछ और रीजंस हो सकते हैं कम हो सकता है यस यस yes? yes. चलो तो आर्ट क्या है आर्ट की फुल फॉर्म क्या है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज Assisted Reproductive Technology, ओके okay. अब बेटा ये जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज किया जाता है ताकि इनफर्टाइल कपल्स भी पेरेंटहुड इंजॉय कर सके उनको बच्चे हो सके ठीक है इसमें जो सबसे पहले टेक्निक क्या यूज करते हैं मान लो एक कपल है ठीक है वो डॉक्टर के पास गया डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसे टू थ्री इयर्स हो गया मे आर नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड ओके तो डॉक्टर जाते कभी आईवीएफ नहीं करता ये नहीं चलो आईवीएफ तैयार है ऐसा कभी नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल सारे टेस्ट होते हैं होते हैं तो उसके बाद देखा जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर मेल में प्रॉब्लम है कि उसका स्पर्म काउंट कम है फर्स्ट प्रॉब्लम इफ अ मेल हैज अ लेस स्पर्म काउंट उसमें ओलिगोस्पर्मिया है या फिर इम्पोटेंसी है व्हाट इज इम्पोटेंसी नॉट एबल टू होल्ड इरेक्शन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन जिससे इंसेमिनेशन नहीं हो पाता तो इन दो कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है मतलब नेचुरली नहीं इंसेमिनेट कर पा रहा और अगर कर रहा है इंसेमिनेट तो एक इंसेमिनेशन में जो स्पर्म्स का काउंट है वो कम जा रहे हैं सो दे विल कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल फ्रॉम द मेल और फिर उसको आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर दिया जाता है इसको विजाइना में भी डिपॉजिट किया जाता है नियर द सर्विक्स तब हम यूज करते हैं वर्ड जस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर इसको हाँ अप मतलब यूट्रस में हम इसको इंसेमिनेट करते हैं डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन इज क्लियर यस सबको बेटा ये बात क्लियर है बोलो बेटा यस yes. क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है वॉट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये क्यों होता है क्यों करते हैं ये डन ड्यूरिंग टू केसेस वन ओलिगोस्पर्मिया दैट इज लो स्पॉम काउंट और इंपोर्टेंसी ओके क्या होता है इसमें दार्ज अमाउंट ऑफ स्पॉम्स द लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन विज्जाइना और यूट्रस और अगर यूट्रस की बात करें तो आई यूआई बोलते हैं इंट्रा यूटराइन इनसेमिनेशन एजैक्ट लियोर एनी डाउट यस बताओ बेटा किसी को इसमें कोई डाउट तो ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो डॉक्टर आर्टिफिशियली डिपॉजिट करता है सीमन इन द फीमेल ट्रैक्ट ओके चलो नेक्स्ट आईवीएफ इसको समझना है अच्छे से व्हाट इज आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा का नाम सुना होगा तो बेटा आईवीएफ को ध्यान से सम, समझना सुनना पहले सिर्फ समझ लो आप ठीक है बाद में करना चार्ट बाद में करना चलो तो इन विट्रो का मतलब क्या है बॉडी के बाहर राइट ओके यस इन विट्रो का मतलब है बॉडी के बाहर इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर ठीक है ये बात समझ में आई यस yes? अब पांच पांच रुपए वाले आ गए हैं लोग चैट में रिप्लाई करने पांच बेटा रिप्लाई करो हो गए पांच रुपए पूरे आपके चलो एनीवेज तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगी कैसे होगी अभी देखते हैं तो बेटा यहां पर क्या है अगर मान लो कि फीमेल और मेल दोनों अपना गिमीट बना रहे हैं फिर भी किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही राइट तो उस केस में क्या करते हैं आउटसाइड कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो एक पेट्री डिश होती है आपने बायो की लैब में पेट्री डिश देखी है सबने देखी होगी पेट्री डिश ग्लास के होती है फ्लैट से कटोरी जैसी होती है वो तो पेट्री डिश लेते हैं लिया पैट्रिडिश इसमें एग रखते हैं और इसके राउंड बहुत सारे स्पर्म्स छोड़ देते हैं इनमें से कोई स्पर्म तो इसको फर्टिलाइज करेगा सो द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड इट इज टेकिंग प्लेस इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं एनी डाउट यस बट ये ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही मतलब आ, फीमेल्स एंड मेल का गेमीट्स ले लेते हैं जैसे वो डॉक्टर के पास गए सबसे पहले इनको प्रिपेयर किया जाता है जैसे फीमेल में हार्मोनल शॉट्स देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करें ठीक है मेल का सैंपल लिया जाता है फिर उसके बाद आउटसाइड कंडीशंस में उनको फर्टिलाइज uh, कराते हैं और ये इसमें क्या होता है पेट्री डिश में इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन रेडी करते हैं जिसमें सारी कंडीशंस बिल्कुल वैसे हो जैसे फिलोपियन ट्यूब में होती है अगर वैसे कंडीशंस मिलेंगे तो आराम से फर्टिलाइजेशन होगी होगी ना तो अब यहाँ पर बेटा क्या होगा फर्टिलाइजेशन हुई और क्या बना जयगॉट ये है आई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अब जैसे जयगॉट बनेगा फिर वो आगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को पार करेगा अगर बेटा कोई है और आठ सेल आठ सेल या ब्लास्टोमियर तक एम्ब्रियो है इन दोनों को कहाँ ट्रांसफर करोगे यूट्रस में या फिलोपियन ट्यूब में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या बताया था कि ट्यूब में हो एम्पुला में होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई अब वो मल्टीप्लाई करेगा सेल सेल अगर आठ सेल तक छोटा एम्ब्रियो है जायगोट है तो उसका फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे और इस ट्रांसफर की टेक्निक को क्या कहते हैं क्या कहते हैं बेटा कहते हैं ट्रांसफर्ड इन टू फिलोपियन ट्यूब एंड वॉट इज द नेम ऑफ दिस टेक्निक लेट मी नो द फुल फॉर्म क्या फुल फॉर्म है जिफ्ट की येस टेलमी ये जिफ्ट का फुल फॉर्म बताओ बेटा जिफ्ट का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी आते हैं फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं बताओ जिफ्ट का फुल फॉर्म यस, इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर यस ओके सो सोगॉटिक इंट्रा क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के अंदर है फेलोपियन ट्रांसफर किसी बच्चे को कोई यहां तक डाउट यस yes, अभी सब चीजें पढ़ेंगे से सब पढ़ेंगे पहले इस पे आप ध्यान दो राइट ओके नेक्स्ट अगर वो आठ सेल से ज्यादा हो गया तो उसको आप ट्रांसफर करोगे बेटा मोर देन एट सेल एम्ब्रियो देन यू विल ट्रांसफर इट इन यूट्रस क्या बोलोगे इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर आई यू ठीक सो आई यू आई क्या है इंट्रा यूटराइन इन सेमिनेशन आई यू टी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ध्यान से आंखें खोल के दिमाग खोल के पढ़ना टी और आई कहीं गोलमाल ना कर जाओ आप ठीक है यस चलो सो so, यहां पर ये दो चीजें क्लियर हो गई बेटा आपको आईवीएफ और आई यू टी आई होप दर्टिक्युलर टू एवरी वन यस बोलो इसमें किसी को कोई डाउट चलो फिर आगे चलते हैं बेटा हम इन विशन आईवीएफ फर्टिलाइजेशन आउट साइड द बॉडी बॉडी सो जो बॉडी में मैंने बताया ना कि जैसे फ्लोपियन टूब में कंडीशन होती है वैसे हम उस पेट्री डिश में क्या करते हैं उसे क्रिएट कर देते हैं फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ द सच मैथड उसके बाद हम उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं कई बार जायकोट को भी कर देते हैं राइट इन दिस मैथ पॉपुलरलीबोरेटरी अब जो स्पर्म और ओवा है वो हजबाइफ दोनों के भी हो सकते हैं डोनर के भी हो सकते हैं मान लो फीमेल बिल्कुल ऑलराइट है ओके है मेल में स्पर्म नहीं बन रहे तो डोनर से भी स्पर्म लेते हैं आपने विक्की डोनर का नाम सुना होगा मूवी देखी है ना हा चलो नेक्स्ट इन दिस मेथड ओके द और अर्ली एम्ब्रियो कुड देन बी ट्रांसफर्ड इन टू द फ्लोपियन ट्यूब तो जायॉट या फिर अर्ली एम्ब्रियो इसने अर्ली एम्ब्रियो किसको कहा है बेटा सेल स्टेज वाला आठ ब्लास्टोमियर वाला वो हम zygote, आ, इंट्रा इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर करते हैं क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब में जाते हैं उस टेक्निक को जिफ्ट कहा जाता है

चलो एम्ब्रियोस फॉर्मड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गेमिट्स विदइन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज़ फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोस फीमेल हु कैन नॉट कंसीव अब क्या बोल रहा है ये जो एम्ब्रियो इन विवो फर्टिलाइजेशन से हुए हैं उनको भी निकाल के दूसरी फीमेल्स में लगा दिया जा सकता है वो कैसे अभी आगे बात करेंगे ठीक है ओके ऑल okay. राइट right. बेटा इसमें किसी को कोई डाउट इस पूरे पैराग्राफ में दिस इज द पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी एनी डाउट यस यस चलो आगे बढ़ते हैं फिर आईसीएसआई अब बच्चे बहुत बोल रहे हैं मैम आईसीएसआई पढ़ाओ चलो आज अब फिर ये क्या है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन स्पर्म का इंजेक्शन दिया ओवा को ये किस केस में करते हैं जब स्प की शेप खराब है इन द केस ऑफ टराटो परमिया पर परमिया बढ़ाया था मैंने यस yes. यस yes. बताओ बेटा बताओ बेटा मतलब मॉन्स्टर तो उसकी शेप, फिजियोलॉजी, साइज अलग है तो वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा तो हमने कहा नो प्रॉब्लम हम आपको इंजेक्शन लगा देंगे तो अगर आपको ये चित्र दिख रहा होगा इस चित्र में बेटा ये ऊसाइट है ठीक है ये पूरा ऊसाइट है ये इंजेक्शन लग रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोनीडल इसके अंदर है स्पॉम स्पर्म भाग नहीं सकता उसकी शेप साइज ठीक नहीं है तो उसके ऊपर प्रोटीन ठीक नहीं है तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा जस्ट आई गिव यू वन एग्जाम्पल इफ आई एम सेंग इट हैज हैजैटो जूस पर्मिया प्रॉबली इसका एक््रोजोम भी खराब हो इसका क्या हो एकजोम भी खराब हो तो एकजोम अगर नहीं है बेटा तो क्या होगा इन्जाइम्स नहीं होंगे और अगर इन्जाइम्स नहीं होंगे तो क्या वो उस uh, उस साइड की लेयर्स को पेनिट्रेट कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा पेनिट्रेट तो उसके लिए हम क्या करेंगे नो प्रॉब्लम वी आर हेयर विद टेक्नोलॉजी एंड वी विल गिव द इंजेक्शन राइट सो ये किस केस में दिया जाता है इन केस ऑफ टीराटो राइट क्या करते हैं बेटा इसमें द स्पर्म इज डायरेक्टली Is directly injected into the cytoplasm of ovum with the help of micro needle with the help of. नीडल और ये ऐसे नहीं कर देते अब सेल हैं छोटे छोटे हैं छोट छोटे छोटे दिखेंगे नहीं तो इसीलिए ये अगर आपको दिख रहा होगा ये माइक्रोस्कोप के नीचे किया जाता है यस yes, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे किया जाता है किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट ये लोकी ये कौन बोल रहे ये क्या हो बेटा क्या चल रहा है आपको पता है यहाँ क्या चल रहा है बेटा यहां पे पढ़ाई चल रही है या नेटफ्लिक्स मत बनाओ आप ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक गिफ्ट गिफ्ट व्हाट इज गिफ्ट व्हाट इज गिफ्ट गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इसमें एक लाइन याद रखना जिससे आपको गिफ्ट और जिफ्ट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा गिफ्ट इज अ गिफ्ट टू अ फीमेल ये मेरे टीचर ने बताया था मुझे मैं आपको बता रही हूं एज अ लिगेसी राइट गिफ्ट इज अ गिफ्ट टू अ फीमेल ओके इसको याद रखना गिफ्ट इज अ गिफ्ट टू अल ठीक है अब एक ओवा है एक स्पर्म है अब ये जो स्पर्म है ये यूजली फादर से होता है और ओवा डोनर से होता है तो ये एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को गिफ्ट दिया है ठीक है इट्स अ गिफ्ट इज अ गिफ्ट टू अ फीमेल बाय अ नदर फीमेल अगर कोई फीमेल ओवम नहीं बना सकती या नहीं बना पा रही तो किसी दूसरे फीमेल से वो ओवम ले सकती है और उसके पार्टनर का स्पर्म हो सकता है इट कैन ओवम ये जो ओवम है इसको कहां पर ट्रांसफर किया इस गेमीट को फिलोपियन ट्यूब में कहां पर ट्रांसफर किया हमने फिलोपियन ट्यूब में तब इसका नाम क्या है गेमीटिक इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर उसके बाद स्पर्म थ्रू इंसेमिनेशन अगर मेल नॉर्मल है तो नॉर्मल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ये दोनों फिलोपियन ट्यूब में मिलेंगे और क्या बनेगा फर्टिलाइजेशन होगा बनेगा फर्टिलाइजेशन क्या होगी बेटा इन वीवो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन विल बी इन वीवो फर्टिलाइजेशन इज एट क्लियर ये समझ में आई बेटा बात यस सो दिस इज वॉट गिफ्ट इज आई होप दर एनी डाउट एनी डाउट मुझे नहीं लगता आज के बाद आप आर्ट की कोई भी टेक्निक भूलोगे यस yes? ओके okay. नेक्स्ट इज सरोगेसी अब ये सरोगेसी क्या होता है वॉट इज सरोगेसी बेटा अगर किसी फीमेल को मतलब बेबी चाहिए बट शी डोंट वॉन्ट टू यू नो गेट प्रेगनेंट उसको बेबी कैरी आउट नहीं करना या उसके यूट्रस में कोई या फिर उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे स्पर्म उसके पार्टनर का और ओवम उस फीमेल का लिया जा सकता है और जो आईवीएफ है उसको करवाया जा सकता है या इन वीवो फर्टिलाइजेशन कराई जा सकती है और एम्ब्रियो को किसी दूसरी फीमेल में विच इज द सेकेंड मदर जिसे सरोगेट मदर कहते हैं उसमें इम्प्लांट करवाया जा सकता है is that clear? Yes. समझ में आई बात? तो यहां पर क्या है बेटा एक कपल है एक कपल है ये फीमेल है और ये मेल है ठीक है अब इसका ओवम लिया इसका स्पर्म लिया इधर इन विवो फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है इन विट्रो भी हो सकती है ओके उसके बाद एम्ब्रियो बना एम्ब्रियो को क्या किया एम्ब्रियो को एक और मदर है उसके यूट्रस में लगा दिया गया और इस मदर को क्या बोलोगे सरोगेट मदर यस, एनी डाउट एनी डाउट बेटा एनी डाउट एनी डाउट इन दिस यस साउंड बेटा आ रही है नहीं आ रही है यस एनी डाउट बेटा एनी डाउट

अच्छा मैं सोच हुई मिमी मिमी क्या कर रहे हैं बच्चे मूवी आई है शायद एक नहीं है ना मिमी वाली सरोगेसी पे ओ मूवी सब पता है एनसीआरटी नहीं पता बच्चों को मूवीज दिखा लो इनको एक मूवी बना देते हैं ना पूरी एनसीआरटी बुक पे शायद तुम्हारा नंबर आ जाए है ना <laughs> चलो डोनर इन टू द फिलोपियन ट्यूब ऑफ अदर फीमेल हु कैनॉट प्रोड्यूस कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाईजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्पटेड तो क्या हो रहा है बेटा फिलोपियन ट्यूब में हम डोनर का एग ट्रांसफर कर रहे हैं उसे कहते हैं गिफ्ट क्या कहते हैं उसे गिफ्ट राइट नेक्स्ट इंट्रा साइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन दैट इज अनदर स्पेशलाइज प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू दईसीएसआई में क्या करते हैं स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में ओके नेक्स्ट इनफर्टिलिटी केसेज ईदर ड्यू टू इन ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट दो मतलब बताए थे ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के क्यों करते हैं एक इम्पोर्टेंसी की इंसेमिनेशन नहीं मेल कर पा रहा है में और दूसरा कि स्पर्म काउंट कम है तो उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं uterus. Uterus में तो इंट्रा यूटनाइन इंसेमिनेशन क्या बताया था अब वो स्पर्म्स किसके हो सकते हैं पार्टनर के भी डोनर के भी दैट्स राइट right? अगर मेल ठीक है तो डोनर के नहीं लेते उसके बाद फीमेल के विजाइना में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं ओके और अगर यूट्रस में करें तो आई यू आई इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन बी वेरी स्पेसिफिक फॉर फुल फॉर्म्स, बिकॉज फुल फॉर्म्स एग्जाम में आ सकती हैं, इज क्लियर एक वर्ड भी इधर उधर गया क्वेश्चन गलत इज क्लियर यस बेटा बताओ कोई डाउट इसमें एनी डाउट चलो yes. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर गेमेटिक इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फिलोपियन ट्रांसफर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जल्दी से बता दो यस जल्दी से आप बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताओ हरियाप चल मीध आंसर अगर अभी बात करिए यार अगर किसी मेल में स्पर्म काउंट कम है लास्ट लाइन ये तो थी तो उस केस में हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑप्शन नंबर सी ठीक है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर कब करते हैं आईवीएफ के बाद करते हैं उसमें अलग केसेस होता है ठीक है देन इंट्रा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फिलोपियन ट्रांसफर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक नहीं होता इट्स इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर दैट्स गिफ्ट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन तब करते हैं जब शेप साइज मॉर्फोलॉजी खराब हो ऑल राइट right? समझ में आई बात यस yes, बच्चे चलो तो नेक्स्ट चलते हैं आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वॉल्स डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म ओवम आई यू आई गिफ्ट आईसीएसआई ए आई फुल फॉर्म्स बताओ पहले क्या होता है आई यू आई की फुलफॉर्म आई यू आई की फॉर्म क्या होती है बताओ बेटा आई यू आई इंट्रा यूचराइन इंसेमिनेशन गिफ्ट गेमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर ए आई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड आई सी एस आई स्पर्म इंजेक्शन यस चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका इंजेक्शन किसमें लगाते हैं फुल फॉर्म में ये, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता है तो आप आराम से लगा सकते हो तो आईसीएसआई इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी गिफ्ट में तो हम गिमी ट्रांसफर कर रहे हैं आई यू आई में इंसेमिनेशन कर रहे हैं ए आई में भी इंसेमिनेशन कर रहे हैं कर लोगे ऐसे क्वेश्चन राइट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म, चलो एनसीआरटी के पेज सिक्सटी फोर का क्वेश्चन है ये जर्म सेल इंट्राफिलोपिन ट्रांसफर ऐसे क्वेश्चन पता कौन सा बच्चा गलत करके आता है जो घोड़े पे सवार होके क्वेश्चन रीड करता है बड़ी जल्दी होती है उनको है ना बस एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर भाग जाओ होते हैं ना ऐसे कहीं बताओ क्या आंसर होगा इसका जल्दी से क्या आंसर होगा बेटा ए बी सी डी हरियाणा

ठीक है चलो आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एस टी आई इज कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली जेनिटल हर्पीस सिफिलिस है इनफेक्शन बताइए अब आ गया क्वेश्चन वही जो आप पूछ रहे थे क्योरेबल इनक्योरेबल वाला है ना चलो बताओ क्या आंसर होगा क्या आंसर होगा बेटा इसका सोच समझ के आंसर देना क्वेश्चन रीड करो अच्छे से क्या पूछ रहा है बीमारियों को याद करो कौन सी वायरल है कौन सी बैक्टीरियल है किसका इलाज है किसका इलाज नहीं है हरिअप चल मी यस बताओ बेटा वॉट विल बी आंसर अगर कंफ्यूजन होता है ना तो इसको याद करने के दो तरीके हैं पहला तरीका सिंपली तीन बीमारियां याद कर लो एस टी आई में जिनका इलाज नहीं है हरपीज हेपेटाइटिस बी एच आई वी इन्फेक्शन एड्स या फिर ऐसे याद कर लो ऑप्शन टू कि वायरल डिजीजेस क्योरेबल नहीं होती बहुत सारी उसमें से एक एक्सेप्शन है जेनिटल वॉट्स जो क्योरेबल है यू कैन चूज एनी ऑफ द वे टू मेमोराइज इट राइट चलो आगे चले द टेस्ट यू बेबी प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक गिफ्ट आई सी एस आई जिफ्ट आई यू टी आई वी एफ यस किसमें मैंने आई वी एफ की बात नहीं करी थी जल्दी बताओ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं करी थी बताओ बेटा बेटा मत कहिए मैम बताओ बेटी बताओ बेटी फिर क्या बोलूं फिर मैं आप लोगों को हाई गाइज गाइज बोलू गाइज गाय हो आप लोग स्टूडेंट्स तो so, बहुत बड़ा हो गया प्यूपल बोलूं बच्चा लोग बोलूं गुडनी बन जाऊं चलो बताओ क्या आंसर होगा बेटा गिफ्ट गिफ्ट में क्योंकि हम फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यस चलो Which of the following is correct match with respect to STI listed and its corresponding causative agent? सी वायरस गुनोरिया ट्रेपोनि प्लेडियम जेनेटल वॉर्ड पेपिलोमा वायरस बड़ा आसान है जल्दी से कर दो बच्चे बोल रहे हैं, पुत्र बोला करो यस yes. चलो 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 जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका बताओ बेटा यस yes. क्या होगा सिफिलिस किससे होता है सिफिलिस होता है ट्रेपोनीमा प्लेडियम से जेनिटल हर्पीस हरपीस सिंप्लेक्स वायरस टू गनोरिया निजेरिया गनोरी से ये एक्सचेंज हो गए ये ठीक है जेनिटल वॉड्स थ्रू एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बिल्कुल ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तो इनको याद करना है कैसे याद होगा बेटा जब भी बायो याद करनी है एक ही टेक्निक है बिकॉज़ यू हैव टू मग अप थिंग्स पहले उसको समझो उसके बाद एक खाली पेज लो

All of the following can be considered as complications of STD except pelvic inflammatory disease, stillbirth, Down syndrome, infertility. सिंड्रोम इनफर्टिलिटी हरिया लाइन है ना वो एनसीआर टी की बताई थी अच्छे से रीड कर लो इसको बार बार कोई डाउट है तो पूछ लो दो बार बोला था मैंने मुझे याद है बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका वेरी इजी जल्दी से बताओ what will be विल बी what व्हाट विल बी answer? आंसर बताओ इसका पीआईडी होता है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज बिल्कुल ठीक स्टिल बर्थ होंगे क्योंकि प्लेसेंटा प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगी अगर यूट्रस इंफेक्टेड है तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा इनफर्टिलिटी भी होगी राइट बट डाउन सिंड्रोम ये जेनेटिक डिसऑर्डर है सो ऑप्शन सी उसका एस टी डी से कुछ लेना देना नहीं है इज दैट क्लियर बेटा यस बताओ हिंदी में लिख रहे हैं सी, सी, सी. <laughs> सही है ये भी ठीक है चलो राइट सो दिस होप आपको सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा इसमें कोई डाउट्स वाउट आपको नहीं है अगर कभी भी लगे कि कोई चीज याद नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखो मेक गुड नोट्स रीड एन सी आर टी एंड अगर कोई चीज याद नहीं होती स्पेशली टर्म्स फुल फॉर्म्स इस चैप्टर में इनकी बीमारियों के नाम पॉजिटिव एजेंट्स राइट और ऊपर से जो भी कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स हैं उसमें क्या आप नहीं याद कर पाते हो कि कौन सा कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड किस कैटेगरी में है तो ट्राई टू राइट देम डाउन एक रफ पेपर लो पेन लो बैठो आराम से दिमाग खाली करो एंड देन ट्राई टू राइट इट डाउन और जब भी पढ़ने बैठते हो ना जहाँ पर भी बैठते हो वहाँ पर सिर्फ एक ही बुक रखा करो कोई और सब्जेक्ट मत रखा करो जितना डेस्क आपका क्लियर होगा पढ़ते वक्त या जहाँ पर भी बैठे हो आप तो उतना ज्यादा अच्छे से स्टडी होती है ये बात याद रखना क्योंकि आपके माइंड फिर एक ही चीज पे फोकस करता है एंड कभी भी बेड पे बैठ के मत पढ़ो या तो जमीन पे बैठ के पढ़ो या फिर टेबल और चेयर पे राइट तो इससे आपको आसानी से याद होगा दिमाग ज्यादा फोकस करेगा एक्ट क्लियर यस चलो आई एल मीट इन द आगे अगले चैप्टर्स में देखते हैं कब ओके सो बाय बाय, टेक केयर स्टडी हार्ट एंड कीप ऑन रिवाइजिंग बाय बाय